ब्रैंक हम क्या करने वाले हैं मामू के साथ? ब्रैंक मेरे पास आ गई है, मैं बांधने वाली हूँ पट्टी। आप लोगों को पता ही होगा एक्टिंग करने में तो मैं माहिर हूँ। तो मुझे हंसी ही ना आए। हाथ जो है ना बिल्कुल बर्बाद हो गया लिटरली। घर में डॉक्टर के पास क्यों जाना है? दे, 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 कोई यार बेटा डंडा लेकर आओ, उसका हाथ मैं सच में तोड़ता हूँ। गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माई एन अदर व्लॉग। होप यू गाइज आर इन्जॉइंग माई व्लॉग। और जी रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप लोग के रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जितना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उससे ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह। और जी सीन ये है कि बस मैं क्या बताऊँ आप लोग को, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के मसले। ज़िंदगी गाड़ी ठीक होना शुरू होती है, ज़िंदगी एक ट्रैक पर आना ही शुरू होती है कि बस एक मसला आ जाता है बीच में। और वो मसला पता ही क्या है? वो मसला है मेरे पेपर्स। अच्छी खासी मेरी ज़िंदगी चल रही होती है, यूनिवर्सिटी भी अच्छी खासी चल रही होती है, पढ़ाई भी चल ही रही होती है भाई, पढ़ाई भी चल जाती है, लेकिन जो ये पेपर्स आते हैं ना ये बड़े बुरे होते हैं। और ये ख़ासकर रमज़ान में देखें आप लोग, मतलब बंदा यूनिवर्सिटी भी जाए रोज़े भी रखे, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ कि मैं रोज़े भी रखूँ, ब्लॉगिंग भी करूँ और यूनिवर्सिटी भी जाऊँ, सेकेंड फ्लोर पर चढ़ कर जाऊँ फिर उतरूँ पढ़ूँ भी, पढ़े तो पढ़ाई तो खैर इतनी ज़्यादा होती होती नहीं है, दोस्तों के साथ इन्जॉयमेंट ही हो रही होती है, आँखें उस वक्त बंद हो रही होती है, खुल बंद हो रही होती है, आँखें तो ऐसी हो रही होती है लिटरली कि मैं आँखें खोल के मैं सो रही होती हूँ, लिटरली मैं लेक्चर में आँखें खोल के सो रही होती हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही होती है। बस क्या कर सकते हैं, पेपर्स देने पड़ेंगे जी। अभी मैं थोड़ा सा रेडी शेडी हुई हूँ, पीछे रैन के कार्टून चल रहे हैं, इनको ज़रा मैं बंद कर दूँ क्योंकि वो तो कार्टून चला के चली जाती है और देखती वेखती है नहीं। तो अभी ये है कि मैं थोड़ा सा तैयार व्यार हुई हूँ, और वरना मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होती हूँ, लेकिन आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मंडे से पेपर्स हैं, तो आई थॉट कि मैं नहीं चाहती हूँ यूनिवर्सिटी और घर में बैठ के कुछ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी से आओ तो कुछ पढ़ने का दिल नहीं चाहता, ना पढ़ने का ना कुछ करने का, सिर्फ आओ सो बस। तो मैं भी उठी, अम्मी की फाइव तारी वगैरह बनवाई थोड़ी सी और बनवाई क्या, बस फ्रूट चाट वगैरह काटे हैं और ये सब ना। तो ये है कि अम्मी आ गई हैं तो अब मुझे थोड़ा सा दुख है, शाम में भी तैयार होने का टाइम मिल जाता है, वरना मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी जाते हुए तैयार होती हूँ। तो अभी तीन ये है कि मैं तैयार श्यार हो गई हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं। अभी बस बैठी हुई हूँ कि इतने में माहाद की कॉल आई है कि मैं घर में आज इफ्तारी नहीं करूँगा, मैं आज बाहर इफ्तारी करूँगा। अब ये बाहर किसके साथ इफ्तारी करने गए मुझे नहीं पता, आप लोग देख लें, महाज बाहर इफ्तारी करने गया। नाइस, आई लाइक इट, मतलब बीवी घर में और ये खुद बाहर, लेकिन आप मजाक से हट के ये बाहर गए हैं दोस्तों के साथ इफ्तारी करने। दोस्तों के साथ क्या, बस इनका आजकल काम जो चल रहा है ना उसमें बहुत बिजी होते हैं ये, तो इनको जाना था मेरे ख्याल से डिफेंस वगैरह जाना था, तो इन्होंने सोचा कि मैं वहीं इफ्तारी कर लूँ, ये वहाँ इफ्तारी करें। तो जी आज की इफ्तारी तो अम्मी ने बनाई है, और क्या ही मज़े मज़े की इफ्तारी बनाई है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। ओहो हाय गाइस, तो जी भाई मेरे पास एक बहुत ही शैतानी आइडिया आ गया। मैं ऐसी अचानक स्ट्रॉलिंग कर रही थी, मेरा कोई प्लान नहीं था प्रैंक का, मेरा कुछ प्लान नहीं था प्रैंक का, लिटरली आज मैंने सोचा था कि आज हम ऑब्वियसली डेली करते हैं व्लॉग, कोई ऐसा कोई मालिक था प्रैंक प्रैंक नहीं करना, प्रैंक अब कुछ दिन बाद ही करेंगे ना, सही है। लेकिन बस अचानक से पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी और अचानक से मैंने किसी की वीडियो देखी ना, तो बस अचानक से वहाँ से मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। आइडिया क्या है, प्रैंक क्या करना है मुझे माँ के साथ, वो ये करना है कि मेरे ना काफ़ी टाइम से हाथों में दर्द है, ये वाले हाथ में दर्द है, सीधे हाथ में, मेरे ख्याल से इस हाथ का ज़्यादा यूज़ होता है, ऑब्वियसली सीधा हाथ है, तो कैमरा भी पकड़ना है तो इसी हाथ से पकड़ना है, कोई काम भी करना है तो इसी हाथ से करना है, तो यू नो इस हाथ में मेरे दर्द रहता है आजकल ना। तो महाद को और मैं जो हूँ ना, मेरे पास आ गई ही है, गेस व्हाट, ये है पट्टी, मैं बांधने वाली हूँ पट्टी, लेकिन मैं बांधूंगी अपने उल्टे हाथ पे, देखते हैं कि उन्हें याद रहता है कि नहीं रहता ये तो बात की बात है, लेकिन ऑब्वियसली जब वो पट्टी देखेंगे तो सब भूल जाएंगे और वो बोलेंगे कि क्या हुआ, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि मेरे हाथ में दर्द था और इस तरह से मैंने ये किया मैंने वो किया तो मेरा हाथ जो है वो ऐसा ऐसा हो गया, इस तरह से ना मैं उनके साथ मस्तियाँ करूँगी। तो अभी सीन ये है कि महाद नहीं आए अभी भी, टाइम मेरे ख्याल से साढ़े, हाँ टाइम साढ़े आठ हो रहा है, महाद अभी तक नहीं आए, तो वेट करते हैं उनका, जैसे आएंगे इंशाल्लाह
उनके साथ प्रैंक करते हैं। आज कोई प्लान नहीं था लिटरली, और आज कोई प्लान नहीं था। मैंने सोचा था आज नॉर्मल जैसे व्लॉग बनाती हूँ ना, मैं वैसे ही बनाऊंगी डेली, जैसे बनाती हूँ रूटीन दिखाती हूँ, ये करूंगी। मैंने कहा लेकिन अचानक से लिटरली मैंने कहा क्यों ना आज भी प्रैंक किया जाए। वैसे यू गाइज एंजॉयड अलॉट प्रैंक, हमारे बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, दिख रहा है मुझे। तो बस आप लोग मुझे प्रैंक के आइडियाज भी दो यार, और मतलब ये तुमसे अचानक से आ गया तो मैंने कर लिया, तो और भी आइडियाज निकालो, बताओ मुझे, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे आइडियाज दो। कमेंट में नहीं करना, क्योंकि कमेंट अक्सर महात देख रहे होते हैं तो महात के पास चल जाएंगे। मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करो कि ये आइडिया करें, ये करें, ठीक है ना। और फिर मैं नाम मेंशन करके बताऊंगी कि इसने मुझे आइडिया दिया और अब मैं ये प्रैंक करने वाली हूँ। तो इस तरह से हम प्रैंक करेंगे। तो अभी यह है कि अभी हाथ में पट्टी बांध लेती हूँ, पहले मैं महात से पूछती हूँ मौका है, ठीक है। ओके जी हुरैन, हम क्या करने वाले हैं मामू के साथ? प्रैंक। और आपके मामू कहाँ गए हैं? बाहर गए हुए हैं, और वो आएंगे तो वो देखेंगे कि मामी के हाथ में पट्टी बनी हुई है तो वो परेशान हो जाएंगे ना, तो उनके साथ प्रैंक करना है हमें। तो जी हम करने लगे हैं, पट्टी बांधती हूँ मैं, सही है, और पता नहीं कैसे बांधूंगी। महात भी सोचेंगे, मुझे नहीं पता कि वो पकड़ लेंगे या नहीं पकड़ेंगे, कि हाथ दर्द तो आपके सीधे हाथ में था और ये आप बांध आपने उल्टे हाथ में लिया। मैं यही बोलूंगी कि मैंने इतना काम किया, मैंने इतना आटा गूंदा, मैंने ये किया, मैंने वो किया कि मेरे हाथ पे जो है ना दर्द हो गया। जितनी ओवर एक्टिंग कर सकती हूँ उतनी ओवर एक्टिंग करूंगी, तो आप लोगों को पता ही है ओवर एक्टिंग करने में तो मैं माहिर हूँ, है ना हुरैन? ओवर एक्टिंग करने में तो मामी माहिर है ना? हाँ, कर ले कर ले मामी ओवर एक्टिंग, कोई मसला तो नहीं होगा ओवर एक्टिंग करने का। इससे पहले मामू आ जाए बात है। हाँ बस जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा जी यहाँ पे लगानी होगी पेन, पट्टी मैंने बांध लिया, बस महात का वेट है, देखें कब तक आते हैं। टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, कब मैंने आप लोगों को बताया था कि महात आएंगे, लेकिन कॉल की थी तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ थोड़ा लेट हो जाऊँगा, तो फिर मैंने कहा चलो उनके आने से पहले ही बांध लूँगी, तो अभी कॉल किए तो कहते हैं बस मैं करीब में हूँ। तो जी पट्टी बांध ली है, बस महात आते होंगे फिर प्रैंक स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज महात आ गए हैं और ये मैंने पट्टी बांध ली है। आई एम एक्साइटेड, बस मुझे हंसी ना आए, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगी, महात अभी आए, अम्मी से बातें शातें कर रहे हैं ना, वो आते हैं अम्मी के साथ बैठे हैं। तो अभी यह है कि अभी मैं बैठ जाती हूँ और ऐसी आईपैड में लगी हुई कुछ देखूंगी, बहुत रैंडम हो, बस आके जब देखेंगे तो मुझे आप लोगों को पता उनका रिएक्शन क्या होगा, परेशान हो जाएंगे, सही है, बाकी रिएक्शन ही देखना है उनका। तो बाकी सीन यह है, किसके मैसेजेस आ रहे हैं, तो चलो खैर, तो अभी मैं बैठ जाती हूँ और फिर हम इंजॉय करेंगे। आईपैड कहाँ गया मेरा आईपैड? वहां पे आईपैड। ओके क्या हुआ यार, आज बहुत थक गया हूँ मैं, आज तो मेरी बहुत बुरी हालत। क्या हुआ आपके हाथ पे है? बस यार क्या बताऊँ, क्या हुआ, क्या किया ये, क्या हुआ, क्या क्या बताऊँ, दर्द हो रहा था। दर्द और पट्टी में क्या मतलब, ऐसा क्या हुआ है? दर्द कितना हो रहा था मुझे याद है आपको? मैं बस वॉशरूम से निकल रही थी तो यहाँ पे ना मेरे कोने से चोट, एक तो कोना भी आखिर कटवाते नहीं, उससे मेरे चोट लग गई, इतनी गंदी चोट लगी है कि मैं इस कोने से इतनी गंदी मेरी चोट लगी है, पिसली हूँ मैं, पिसलते हुए बच के उसके सहारा लिया और मैं उससे टकरा गई और मेरे इतनी गंदी चोट लगी है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरा हाथ जो है ना बिल्कुल बर्बाद हो गया, लिटरली मेरा हाथ में बहुत दर्द। नहीं ना पट्टी रखी हुई थी घर में, डॉक्टर के पास क्यों जाना है? तो क्या मतलब है, डॉक्टर को दिखाऊंगा हाथ को क्या हो गया है? पागल हो आपके यार, आपको जरा ढंग नहीं चलने का, पहनने का, स्लिप हो गई, मजाक है।
अरे पैर पता नहीं है आपको क्या करती है वो सनांदर, सर्फ छोड़ा हुआ था, सर्फ मेरे पाओ में लगा हुआ, फिसल गई यहाँ से। अजीब क्या दिमाग खराब है उसकी यार, आप लोगों को कितनी बार बोला है उसको समझाओ, उसको समझ ही नहीं आती है यार, उसको डांट के समझा दिया करो। अभी तो मतलब ऐसा नहीं यार, मतलब आपने क्या किया यार, बेबी बेटा हटो, लग रही है मेरे मामी की, लग रही है मामी के हाथ पे लगी है, तुझे दर्द हो रहा है। अच्छा खुद मूव करो, नीचे नहीं हो रहा मुझसे मूव, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, टूट गई पता नहीं अभी, बस ऐसा लग रहा है मसल पेन है। नहीं आई कांट अभी मुझे थोड़ा सा आराम करना है, मैं अभी भाई डॉक्टर को दिखा लो, बड़ी मुसीबत हो जाएगी, स्वेलिंग वेलिंग हो गई तो मसला हो जाएगा। बस छोड़ो, क्या मतलब है छोड़ो, उठो चलो। अरे नहीं ना यार, देखो मेरा मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ, उल्टी हरकत नहीं करो, वैसी चोट लगवाई हुई है, चलो उठो चलो। अभी तो मुझे यही था कि बस मेरा हाथ जो है ना अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, मुझे यही था। अल्लाह की कसम यार बेगम, क्या करती हो ऐसे, क्यों लापरवाही करती हो यार, क्यों ऐसे लापरवाही करती हो, जरा ध्यान रख लिया करो यार। कल रात ही मैंने आपका हाथ, मैं आपको ये वाला दबा था, वो वाला दबा रहा था, नहीं ये वाला था। अरे श्योर, दोनों ही हाथों में सामने दर्द हो गया, पता नहीं क्यों। मैंने मजाक कर दी है। क्या मजाक कर रही है, ये देखिए इधर इधर कोई यार जो पता नहीं, मैं कैमरा लगे हुए देखे। शोरा सीरियसली, बात किया उसने, ये कुछ तरीका है यार, आज तक नहीं बिठाऊंगी कमरे में प्रैंक के वक्त, ये क्या तरीका है यार, मतलब कुछ तमीज होती है यार, कुछ हुआ तो नहीं ना सच में। अबे कुछ नहीं हुआ, तफरी कर रही थी, अम्मी से मांग के लाई हूँ पट्टी ऐसी, मैंने जाओ बेटा डंडा लेकर आओ, साथ में सच में तोड़ता हूँ, जाओ डंडा लेकर आओ, डंडा लो, डंडा लो, अबे तू मामी की टीम, डंडा लो, डंडा लो, जल्दी ले मेरा डंडा, डंडा, अरे पते के पीछे डंडा नहीं होता, डंडा लाओ कोई डंडा यार, आओ मामी का हाथ तोड़े, जल्दी डंडा लाओ, ये बहुत ड्रामे कर रही थी ना। आप क्या कहना चाहेंगी गाइस को, गाइस को बोलो क्या, गाइस क्या यार, क्या गाइस क्या फायदा नहीं हुआ गाइस, पहले तो गाइस गाइस को बोले क्या बोलेंगे। ओके गाइस, तो हो गया है प्रैंक बर्बाद मेरा। तो जाने से पहले मैं आप लोगों का सवाल तो करती जाऊं, वरना आप लोग बोलेंगे आज भी क्या, आज का सवाल कहाँ है, जो कि हम कल के व्लॉग में भूल गए थे। खैर, आज का सवाल आप लोगों का ये है कि कुरान मजीद की वो कौन सी सूरह है जो सबसे छोटी है, और वो कौन सी सूरह है जो सबसे बड़ी है। आई नो मैं बहुत आसान क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ आप में से कोई विनर हो, हम किसी को दें गिफ्ट, और क्योंकि अब भाई आप लोग व्लॉग देखते हो, आप लोग हमें सपोर्ट करते हो, तो आप लोगों के लिए भी कुछ बनता है ना। तो जी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह गिफ्ट हैम्पर होगा। मैं दोबारा बताती चलूँ कि जो बंदा या बंदी हमें हर व्लॉग के नीचे हमें कमेंट सेक्शन में हर सवाल का जवाब देगा, वो होगा हमारा, वो होगा नहीं मतलब उसका हम नाम डालेंगे लकी ड्रॉ में, और लकी ड्रॉ में जिसका नाम निकला वो होगा विनर। ये तो लक पे डिपेंड करता है अब, ठीक है ना। तो जी अब सीन ये है कि अभी मैं कर रही हूँ व्लॉग को एंड, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह प्यार करते हैं। अल्लाह हाफिज़।